इस वक्त मैं रांची के रातू रोड चौराहे पर हूँ और आप तस्वीरें देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तैयारी चल रही है। रोड शो अब से लगभग 1 से 2 घंटे के बीच में शुरू होगा, लेकिन अभी से हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लोग मस्ती में झूम रहे हैं। बता दें कि आधिकारिक तौर पर 4 बजे से यह रोड शो शुरू होना है, हालांकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में थोड़ी सी विलंब हो सकती है और ये रोड शो 5 या 5:30 बजे के बाद शुरू होगा। और लोगों का अभी से भीड़ देख सकते हैं, लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए यहाँ पर खड़े हैं। बता दें कि रांची के ओटीसी मैदान से शुरू होगा ये रोड शो। रांची के ओटीसी मैदान से शुरू होकर ये रोड शो पिस्का मोड़ रातू रोड तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आप लोग आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और विश्व के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता का आज भगवान बिरसा मुंडा के पावन मंदिर पे आगमन हुआ है। हम सभी रांचीवासी बड़े ही जोश से खरोश से अपने प्रिय नेता का रांची में नमस्कार अभिनंदन स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए और पूरे ओटीसी मैदान से रातू रोड चौक तक और रातू रोड चौक से हरमू तक आप देखिएगा काफी संख्या में लोग जुट रहे हैं। सब में काफी जोश है और रांची वासी पूरे इस बार तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर के, पूरे झारखंड वासी बहुमत देकर के यहाँ पे झारखंड में सरकार बनाने के। प्रधानमंत्री जी के आगमन से कितना परिवर्तन होगा? अभी प्रधानमंत्री जी के आगमन से हम लोग झारखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं और यहाँ से जनता भी अभी परिवर्तन चाहती है, इसलिए जनता भी चाहती है कि भाजपा की गवर्नमेंट आए और यहाँ से जेएमएम से मुक्ति मिले, क्योंकि यहाँ पूरा यहाँ का जनता त्रस्त हो गया और हम लोग बढ़ चढ़ के मोदी जी को देख रहे हैं। उनको देखने के बाद हम लोग को काम करने का ऊर्जा, एक अलग ऊर्जा हम लोग के पास प्राप्त होता है, उनसे हम लोग प्रेरणा मिलता है, तो हम लोग उनको देख के यार उसके बाद जमीन में काम करके भाजपा का सरकार बनाने का हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। देखिए कई घंटे से लोग यहाँ पर खड़े हैं, कब से आए हैं, कितने घंटे से खड़े हैं? आया हुआ अभी 1 घंटा हो गया। एक घंटे से खड़ा हूँ प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए। जी, मैं आया हूँ विद्यानगर से। अच्छा, अपर बाजार मंडल से बिलोंग करता हूँ, विद्यानगर से मैं आया हूँ। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री को देखने के लिए और अभी भी लगातार आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो भारी भीड़ आ रही है और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की ये यात्रा है, ये रोड शो है जिसमें रांची के प्रत्याशी सीपी सिंह रहेंगे। बता दें कि सीपी सिंह वर्ष 1996 से लगातार रांची सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थानीय कलाकार हैं जो वाद्य यंत्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही भारी संख्या में भीड़, और ये भीड़ रांची ही नहीं बल्कि हटिया से आई है, कांके से आई है, खिजरी से आई है, इसके साथ ही पड़ोसी जो जिले हैं वहाँ से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने आए हैं। बता दें कि इस बार जो विधानसभा चुनाव चल रहा है इसमें प्रधानमंत्री जी का अब तक 4 चुनावी सभा हुआ है और ये पहला रोड शो हो रहा है जो रांची में होगा। ओटीसी ग्राउंड से शुरू होकर यह रोड शो रातू रोड चौराहे तक आएगा, यानी लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रोड शो होगी जिसे पूरा करने में प्रधानमंत्री जी को लगभग 1.5 घंटे का समय लगेगा। सुरक्षा की बात करें तो 10 IPS अधिकारी हैं, 30 DSP और 4,000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगाए गए हैं। वहीं आकर्षक की केंद्र की बात करें तो 20,000 बाइक सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उनकी आगवानी करेंगे। इसके साथ ही 501 ब्राह्मण शंख घड़ियाल बजाकर प्रधानमंत्री के विजय संकल्प को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के, यहाँ तक कुछ महिलाएं भी हैं। कहाँ से आए मैडम, कहाँ से आए हैं? हम लोग एमपी से, प्रधानमंत्री जी को देखने आए हैं। हाँ, देखने आए हैं। महिलाओं को कितनी उम्मीद है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं? हम लोग को बहुत उम्मीद है। क्या लग रहा है झारखंड का क्या मिजाज होगा? हाँ, विकास होगा। क्या मिजाज है झारखंड का, क्या लग रहा है, क्या होगा परिवार? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, फायदा होगा? हाँ, पता
फायदा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पर आए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं बाबा, कहाँ से आए हैं? हम सिमलिया से आए हुए हैं। सिमलिया से? सिमलिया, सिमलिया। अच्छा। रातू काठी टाट से दक्षिण अच्छा। सिमलिया है वही। हटिया क्षेत्र से आए हैं? हटिया क्षेत्र से। नवीन मंत्री जी को देखने आए हैं? देखने के लिए तो आए हुए हैं, बाकी जो है भीड़ भड़ाका में कैसे जो है कि हम देख पाएंगे, इधर से देख लेंगे हम। झारखंड में एकदम उनका बोला एकदम पूरा रहेगा भाजपा का। हाँ, और हम कैसा काम कर रहे हैं? और हम जो है कि रहते हैं सिमलिया हनुमान मंदिर में। हेमंत सोरेन कैसा काम कर रहे हैं? हेमंत सोरेन उनका काम कैसा था? हेमंत सोरेन का काम कैसा था? अरे हेमंत सोरेन का तो गठबंधन का सरकार है। हाँ। दो दशकों के जो है कि राज से उचलते हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी अपना एक रहेंगे तो जो है कि अपना चलेगा बढ़िया से। क्या बटन का तो कटिंग वाला भी नारा है क्या इस बार? भाई जी अभी कुछ नहीं, अभी जो है नरेंद्र मोदी का जो है कि जिताना है। हाँ। वो कहते हैं यही कि हम पूरे जो है कि भारत का जो है कि हम बाप है, सब हमारा परिवार है, राशन वही दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन वही दे रहे हैं, ये अपना जो है कि पहले 1000 मैया योजना दे रहे हैं। मैया योजना तो जो है कि चंपई सोरेन दिए हुए है और तुरंत खाता में भेज दिए, उसके बाद में जो है हमरा जो है मंदिर में रहते हुए 4 अक्टूबर को पेशेंट को कितना प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी के रोड शो के कारण इन्हें परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है? सुबह सब लोग डॉक्टर के पास निकले हैं, उस पर मेरा घर है, कितना दूर से पैदल आ रहे हैं पेशेंट को लेके। पेशेंट लेके अस्पताल जाना था आपको, डॉक्टर के पास से आ रहे हैं। लोगों में उत्साह तो है ही लेकिन काफी परेशानी हो रही है। बता दें कि सुबह लगभग 10 बजे से ही इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और ये शहर का प्रमुख रोड है, ये रातू रोड का ऐसा ये जो सड़क है जो रातू रोड चौराहा को जो जोड़ता है ओटीसी से लेकर के रातू रोड चौराहे को, ये प्रमुख शहर है का ये रोड है और प्रतिदिन लाखों लोग इस सड़क से आना जाना करते हैं। ऐसे में लोगों का यातायात रोक देने से काफी परेशानी हो रही है और थोड़ी सी नाराजगी भी है। कई लोग आए हैं ग्रामीण क्षेत्र से भी आए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। कहाँ से आए हैं बाबा? बंडरा। प्रधानमंत्री जी को देखने आए हैं? हाँ, कहेंगे अब तो आ रहा है वही। कोई बताया था कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं? कैसे जानकारी मिली? पेपर में देखते हैं ना। अच्छा, पेपर में देखते हैं। कैसे जानकारी मिला प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं? देखिए जानकारी पूरे भारतवर्ष को है कि आज झारखंड की पावन धरा पर, धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरा पर विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत की तीसरी बार सबसे बड़ी जीत दर्ज कर इतिहास रचने वाले। रांची में क्या होगा, झारखंड में क्या होगा ये बताइए। झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनेगी क्योंकि भारत का जो मुद्दा है, भारत को विकसित भारत बनाना है और झारखंड इसमें सबसे बड़ा भूमिका अदा करने वाला है क्योंकि झारखंड खनिज संपदा के मामले में दुनिया में भी जाना जाता है और भारत में भी जाना जाता है। तो यहाँ डबल इंजन की सरकार थी, तो क्या हुआ उससे? अब फर्क ये है कि मोदी जी के सरकार में जीरो टॉलरेंस है। 10 वर्ष की शासन काल में मोदी जी का जो छवि है व्यक्तित्व विशाल है, कृतित्व बेमिसाल है और उनकी छवि पारदर्शी स्पष्ट है। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं डीबीटी के माध्यम से, लोगों को 100% लोगों को डीबीटी के माध्यम से लाभ हस्तांतरण किया है और भ्रष्टाचार पर उन्होंने अंकुश लगाया है। आज पूरे विश्व में भारत का स्थिति यह है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और भारत को अगर विकसित भारत बनाना है तो झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार जरूरी है। मोदी जी का नेतृत्व है और बाकी यहाँ पर बहुत सारे अच्छे नेतृत्व है जिनकी छवि अच्छी है और इन नेतृत्व के आधार पर झारखंड आगे बढ़ेगा और भारत भी आगे बढ़ेगा। झारखंड आगे बढ़ेगा? हेमंत सोरेन का मोदी जी है तो सब हो सकता है। हेमंत सोरेन राम मंदिर बनाने वाला मोदी जी है। आप भारत में सबसे बढ़िया मोदी जी, उससे बढ़िया कोई? हेमंत सोरेन चोर है। देखिए ये जनता है और जनता
चुनाव में अपना मत दे करके नेताओं को सत्ता सौंपती है, लोगों की अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है। प्रधानमंत्री के रोड शो को देखने के लिए, उन्हें देखने के लिए, प्रधानमंत्री के रोड शो में शामिल होने के लिए आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में भीड़ है। वहां पर जांच हो रही है, स्क्रीनिंग हो रही है। स्क्रीनिंग के बाद 3 लेयर की सुरक्षा है दोनों तरफ। अगर उधर की बात करें तो इसी सड़क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में रोड शो करेंगे। रोड शो करते हुए जाएंगे, लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रोड शो होगी और 1.5 घंटे का लगभग ये समय लगेगा ओटीसी से लेकर के रातू रोड चौराहे पर। क्या क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ से आए हैं? मैं रांची से आया हूँ। हाँ। और ये जो बाबरी मस्जिद गिरी, हाँ, ये बहुत सही हुआ। हाँ। और यहाँ पे वोट देना चाहिए मोदी को ही। हाँ। तो बाबरी मस्जिद तो पहले की बात थी, अभी भी क्या, अभी राम मंदिर बनवाया उन्होंने, इसलिए वोट बीजेपी। हेमंत सोरेन तो बेकार आदमी है, मुख्यमंत्री नहीं सही है, नहीं सही नहीं है। अच्छा, तो इसलिए अच्छा मैया योजना दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अबुआ आवास दे रहे हैं, नहीं मिल रहा है क्या कुछ भी? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, आज तक मेरा राशन कार्ड भी नहीं बना। सरकार में आपको क्या मिल गया था? वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो फिर बोल रहे हैं कि डबल इंजन सरकार बनेगी। डबल इंजन की अभी जो होगा काम सही होगा। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बन रहे हैं क्या? लगता तो ऐसा ही है, सुने भी है। सुने हैं? कहाँ सुने? यही सुने हैं। अच्छा, लोगों के मुँह से बाबूलाल बन रहे हैं। हवा तो उसी का बन रहा है। अच्छा, देखिए यहाँ पर जनता है और ये पहले ही तय कर चुकी है। हालांकि मतदान 13 नवंबर को होना है, पहले चरण का, दूसरे चरण का 20 नवंबर को और 23 को परिणाम आएगा। लेकिन अभी परिणाम घोषित कर दिया कि यहाँ पर बीजेपी, आजसू और जो अन्य दल हैं उनके, यानी एनडीए गठबंधन वाली सरकार बनेगी और इसमें मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी होंगे। हालांकि बीजेपी की तरफ से घोषणा नहीं किया गया, ना ही एनडीए की तरफ से। ये जनता जनार्दन है जो ये कह रही है कि हमारे अगला मुख्यमंत्री जो है वो बाबूलाल मरांडी होना चाहिए। रोड शो शुरू होने वाला है और भीड़ अब से यहाँ पर लग गई है। आप देख सकते हैं कि लोगों का अभी भी आने का जो सिलसिला है वो जारी है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और कई किलोमीटर पैदल चल कर यहाँ लोग पहुँच रहे हैं, चूँकि पूरी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बंद कर दिया गया। हालांकि थोड़ी सी नाराजगी भी है लोगों के बीच कि उन्हें आने जाने में परेशानी हो रही है, खास करके ऐसे लोग जिनके साथ पेशेंट है, मरीज है, उन्हें अस्पताल जाने में परेशानी हो रही है। लेकिन लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और झारखंड में परिवर्तन होगा, इसके लिए हम उन्हें समर्थन करने आ रहे हैं, उनका स्वागत करने आ रहे हैं, अभिवादन किया जा रहा है पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ। और इसके साथ ही शंख और घड़ियाल बजाकर यहाँ पर 501 ब्राह्मण उनका स्वागत कर रहे हैं। 20,000 बाइक सवार प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए विभिन्न जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से पहुंचे हैं। संजय सेठ जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री है, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे क्षेत्र की और देख सकते हैं कि तमाम जो एसपीजी की गाड़ियां हैं या वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं वो पूरे जो एरिया है उसका अवलोकन कर रहे हैं। डबल लेयर की दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, तमाम जो पुलिस पदाधिकारी है वो सुरक्षा देख रहे हैं। जो भी ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है वहां पर भी आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी मौजूद हैं सभी ऊंचे बिल्डिंग से। हालांकि फ्लाईओवर होने के कारण थोड़ी सी परेशानी जरूर आ रही है, लेकिन सभी जितने भी ऊंचे ऊंचे स्थान है वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए रांची पूरी तरीके से तैयार है, ये जनता है। इन्होंने अभी फैसला सुना दिया कि 23 नवंबर को झारखंड में क्या परिणाम होगा और कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।